विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला वीडियो में अंदर अपने प्रकरण चार ना आलेखो जोया, केटलाक जोड़का अने खाली जगह पर जोई थी, अंते प्रकरण चार पूरू कर्यु। आजे हूँ अपना अभ्यासक्रम नू एक नव प्रकरण चालू कर रह्यो छुं। प्रकरण नंबर 9, समांतर बाजु चतुष्कोण अने त्रिकोण ना क्षेत्र। बे वस्तु थी बराबर तमे परिचित छो, एक समांतर बाजु चतुष्कोण थी परिचित हो। अने बीजो परिचित हो तमे त्रिकोण थी। थोड़ुक भूतकाळ तरफ तमे लई जाउं छुं। समांतर बाजु चतुष्कोण विषय बहु डिटेल में आपणे अभ्यास कर्यो। पहेली आपणे एनी व्याख्या जोवानो प्रयत्न करिए। जे चतुष्कोणनी सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड समांतर होय तो एवा चतुष्कोणने आपणे समांतर बाजु चतुष्कोण कहेता हता। त्यारबाद आपणे समांतर बाजु चतुष्कोणना गुणधर्मो जोया। पहलो गुणधर्म तो समांतर बाजु चतुष्कोण कोई एक विकर्ण थी बनता बने त्रिकोणों एक रूप हो। बीजो गुणधर्म तो समांतर बाजु चतुष्कोण सामसामे बाजुओं बने जोड़ ना माप सामन हो। ऊंधू जे चतुष्कोणनी सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड़ना माप समान होय तो ते समांतर बाजु चतुष्कोण कहेवाय। एना पछीनो गुणधर्म तो समांतर बाजु चतुष्कोणना सामसामेना खूणाओनी बंने जोड़ना माप समान होय छे। एनुं ऊंधू हतुं जे चतुष्कोणनी सामसामेनी बाजुओनी सामसामेनी खूणाओनी बंने जोड़ समान होय तो ते चतुष्कोण सबाचर कहेवाय। एना पछीनो गुणधर्म हतो सबाचरना विकर्णो। सबाचरनो मतलब समांतर बाजु चतुष्कोण। एना विकर्णो परस्पर एकबीजाने दुभागे छे। ऊंधू हतुं जे चतुष्कोणना विकर्णो परस्पर एकबीजाने दुभागे तो ते सबाचर होय छे। आ सिवाय पण तमे घणा बधा गुणधर्मो समांतर बाजु चतुष्कोण सीख्या। पछी की बात करू त्रिकोण। त्रिकोण विषय पण तमे घणो सीख्या, आखो चेप्टर सीख्या। त्रिकोण की व्याख्या, त्रिकोण की बाजू, त्रिकोण खूणा, त्रिकोण कुल अंगो, त्रिकोण प्रकार, बाजू दृष्टि त्रिकोण त्रण प्रकार, खूणा दृष्टि त्रिकोण त्रण प्रकार, त्रिकोण त्रण खूणा माप नो सरवाळो 180 थाय। એના પછીનો એક ટોપિક આપણ પરિચિત હો તમે બરાબર પરિચિત હો ક્ષેત્ર। આ ટોપિક થી પણ તમે પરિચિત સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ત્રિકોણ ક્ષેત્ર। ક્ષેત્રફળ કોનું કહેવાય એ પહેલા હું તમને શરૂઆત કરવા દઉં। કોને ક્ષેત્રફળ હોય? સમતલ, યામ સમતલ પાટી એટલે સમતલ। समतल में दौर कोई पर बंद आकृति क्षेत्रफल धराव। समतल में दौर कोई पर बंद आकृति क्षेत्रफल दर्शाव। एट्ले कि त्रिकोण, चौरस, लंब चौरस, समांतर बाजु चतुष्कोण, समबाजु चतुष्कोण, वर्तुळ आ बदा क्षेत्रफल धराव। रेखा, रेखाखंड, किरण के खूणो ए क्षेत्रफल धरावता नथी, कारण ए बधा बंद आकृति नथी। माटे ज बराबर टॉपिक मगजमो सेट करजो। समतल मो दौरवा मो आवेली तमाम बंद आकृतिओ क्षेत्रफल धरावे छे। तो कई समतल आकृति कोने कहेवाय? समतलीय आकृति कोने कहेवाय अथवा समतलीय प्रदेश कोने कहेवाय? समतलीय प्रदेश कहेवाता
पहला तो समतले प्रदेश लीजिए, पहला तो आ टॉपिक में दिए समतल में दौरवा आवेली आवेली तमाम बंद आकृतियों क्षेत्रफल धरावे छे। आ पहलो क्लियर कर मुद्दे तमें। बीजू आ टॉपिक पर शीखो जरूरी है समतल में दूर आ भी समतल में चौरस दूर समतल में दौरवा आवेली कोई पर बंद आकृति द्वारा समतल ना घेराया प्रदेश ने समतलीय प्रदेश कहवाया। समतल में दौरवा आवेली कोई पर आकृति बंद आकृति द्वारा समतल ना घेराया भाग ने शु कहवाय समतलीय प्रदेश कहवाय। समतल में दोरेल बंद आकृति द्वारा समतलना रोकायला भाग ने बस अंकुशक शु कहवाय समतलीय प्रदेश कहे छे। समतल में दूरवा आवेली बंद आकृति द्वारा समतलना रोकायला भाग ने शु कहवाय समतलीय प्रदेश। बीजू समतल में दोरेल बंद आकृति द्वारा रोकायेला समतल ना भाग ना मापने ते बंद आकृति नु शु कहवाय विद्यार्थी मित्रों क्षेत्रफल कहे छे। भागले प्रदेश कहवाय जे भाग रोकाय एने समतलीय प्रदेश कहवाय पण एनु मापनी दृष्टि जोवा मा आवे तो एने क्षेत्रफळ कहेवाय। बीजू पण तमे जाणो छो क्षेत्रफळ ना બે એકમો છે એક જો રકમ ની અંદર માપ સેન્ટીમીટર માં આપી હોય તો એકમ ચોરસ સેમી જો રકમ માપ મીટર માં આપી હોય તો એક ચોરસ મીટર એક એકમ ચોરસ સેમી અને નો કેવું હોય તો સેમી સ્ક્વેર બીજો એકમ ચોરસ મીટર ચોરસ મીટર નો કેવો તો મીટર સ્ક્વેર। આગળ ટોપિક નો વાત કરીએ એક રૂપ આકૃતિઓ એક રૂપ આકૃતિઓ समतल मो दौरवा मो आवेली कोई पण बे कोई पण आकृतिओ बे के बेथी वधार बे कोण आपण बे आकृतिओ ना आकार अने माप बन्ने समान होय। समतल मो दौरवा मो आवेली कोई पण बे बंद आकृतिओ ना आकार अने माप बन्ने समान होय तो एवी आकृतिओ ने शु कहेवाय एक रूप आकृतिओ कहे छे। समतल में दोरे कोई पण बे बंद आकृतिओ ना आकार अने माप बन्ने શું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાન હોય તો તેવી
आकृतियोने शु कह चो एक रूप आकृतियो करे छे। उदाहरण आप सकाय दाखला तरीके समान त्रिज्या वाला बे भिन्न वर्तुळो बीजू समान मूल्य नाम एक वर्ष मो बाहर पड़ेला चलनी सिक्का तीजू द्वारा आप तो एक बैंक ना बे एटीएम कार्ड गमे ते उदाहरण आप सको ते पशु प्रश्न ये था विद्यार्थी मित्रों जे बे आकृतिओ एक रूप हो तो एना माप का बिना समान रही माप समान रही नो मतलब क्षेत्र पर समान हो एक रूप आकृतियों ना क्षेत्र पर हमेशा समान हो अथवा जो भी आकृतियों एक रूप हो तो एना क्षेत्र पर समान हो ऊंधू शक्य है जे भी आकृतियों क्षेत्र पर समान हो तो शू ए भी आकृति एक रूप हो सके ना विद्यार्थी भी तो नहीं हाँ आकृति एक रूप हो तो क्षेत्रफल समान हो परंतु क्षेत्रफल समान हो आकृतियों एक रूप हो हमेशा सत्य नहीं तो ये टॉपिक दिए बे एक रूप आकृतियों क्षेत्रफल हमेशा શું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાન હોય જ અને નોંધું સમાન ક્ષેત્રફળ ધરાવતી બે આકૃતિઓ એક રૂપ હોય તે હંમેશા સત્ય નથી કે દાખલા તરીકે આ ચોરસ લઉં આ લંબચોરસ લઉં આનું ક્ષેત્રફળ 10 ચોરસ મીટર આનું ક્ષેત્રફળ 10 ચોરસ મીટર તો માપ સરખા થયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આકાર સરખા નથી એટલે કે આ બે આકૃતિઓ એકરૂપ કહેવાશે नहीं लखी ચલો આ તો આપણે પૂર્વ ભૂમિકા વધી ચેપ્ટરની હવે આપણે ચેપ્ટરની પહેલો ટોપિક જોઈએ પહેલો ટોપિક જોઈએ
चलो एक ज पाया पर आवेली आकृति टॉपिक जो एक ज पाया एक पाया पर आवेली आकृति बस बीजो टॉपिक जुशु बीज धारो कि हूँ एक पायो दौरु रेखाखंड दौरु आ रेखाखंड नो हूँ बी सी दो अपना मत बीज पायो अयो एक पर बिंदु नो ए लो बनी जी बंद आकृति त्रिकोण अयो विद्यार्थी मित्रों ते बिंदु नो बीजो त्रिकोण बनो पी बी सी एनो पायो कयो बी सी आ जॉइंट कर दो ए बी सी पी चतुष्कोण बनो एनो पायो शु छे विद्यार्थी मित्रों बी सी आम हेडु आग आम हेडु एक्स आपू एक्स बी सी नो पायो कयो बी सी आकृति बनी त्रिकोण बनी आ ड्रॉइंग कर दो विद्यार्थी मित्रों हूँ आ ड्रॉइंग कर दू शू ड्रॉइंग करू ए बी सी एक्स ये पण बंद आकृति तो बनी गयो चतुष्कोण तो एक पाया पर एक तो वधारे आकृतिओ दौरी शकाय छे बंद आकृति दौरी शकाय छे एक पाया पर एक करतो वधु बंद आकृतिओ दौरी शकाय छे आकृति में बताया प्रमाणे पाया बीसी पर कई आकृति दौरी छे पाया बीसी पर नंबर एक त्रिकोण ए बी सी दौरी छे नंबर बे त्रिकोण पी बी सी दौरी छे त्रिकोण पी बी सी नंबर त्रण चतुष्कोण ए बी सी पी ए पी सी बी दौरी छे चतुष्कोण ए पी सी बी नंबर चार त्रिकोण एक्स बी सी दौरी छे त्रिकोण एक्स बी सी दौरी छे नंबर पांच चतुष्कोण ए एक्स सी बी चतुष्कोण ए एक्स बी सी दोरेल छे जो बधा में विद्यार्थी दोरे बी सी विद्यार्थी मित्र आवतो छे बधा में बी सी आवतो छे बी सी बी सी बी सी बी सी है ना बी सी એટલે આ પાયા ઉપર આ આપણે જે આકૃતિ દોરી છે એમાં પાયો બીસી છે એમાં આપણે પાંચ આકૃતિ દોરી છે મતલબ એ થયો સમતલની અંદર કોઈ પણ પાયા ઉપર એક કરતો વધારે બંધ આકૃતિઓ દોરી શકાય છે હવે તો નીચે મળી થોડુંક નીચે મળી એક જ પાયા પર તેમજ બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેની આકૃતિઓ આ ટોપિક છે પાયો એક જ અને બે સમાંતર રેખાઓ સમાંતર રેખાઓ આખા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતી આવી જુઓ એક જ સમતળમાં આવેલી બે ભિન્ન રેખાઓ પરસ્પર છેદતી ન હોય તો તેવી રેખાઓને સમાંતર રેખાઓ ફરીથી એક સમતળમાં આવેલી પરસ્પર છેદતી ન હોય તેવી બે ભિન્ન રેખાઓને શું કહેવાય સમાંતર રેખાઓ દોરી આપી
અને એમ બે સમાંતર રેખાઓ. હવે પાયા હું આ જવા માંગુ છું, ચલો ક્યુ આર બધી કાઢું, પાયા લીધો ક્યુ આર. હવે આપણે દોરી છે આખી બીમ, તો એ કઈ બીમ જોડી લો, શું બની ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્રિકોણ પી ક્યુ આર, ત્રિકોણ પી ક્યુ આર દોર્યો, પાયો કયો ક્યુ આર, અને એલ સમાંતર એમની વચ્ચે હે, બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે હતો, બે સમાંતર એક જ પાયાપટ પર બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે એક આખું દોર્યું. ચલો ભાઈ એચ બિંદુ લઉં, એચ બિંદુ લઉં, શું દોર્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એચ ક્યુ આર એ દોર્યો, અને પી ક્યુ આર એ શું દોર્યો? તો એક જ પાયા ઉપર અને બે સમાંતર રેખાઓની જોડ વચ્ચે પણ અસંખ્ય અનેક બંધ આકૃતિઓ દોરી શકાય છે. જેમ કે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એલ સમાંતર એમની વચ્ચે અને પાયા ક્યુ આર પર ત્રણ આકૃતિ દોરી છે, એક ત્રિકોણ પી ક્યુ આર, બે ત્રિકોણ એસ ક્યુ આર અને ત્રણ ચતુષ્કોણ સી ક્યુ આર એસ દોરે છે. એક જ પાયા પર તેમજ બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે અનેક બંધ આકૃતિ દોરી શકાય છે. આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે એલ સમાંતર એમ, એલ સમાંતર એમની વચ્ચે તેમજ પાયા ક્યુ આર પર નંબર એક ત્રિકોણ પી ક્યુ આર, નંબર બે ત્રિકોણ એસ ક્યુ આર, નંબર ત્રણ ચતુષ્કોણ પી ક્યુ આર એસ દોરેલ છે. તો બે ટોપિક ક્લિયર થયા. એક જ પાયા પર અસંખ્ય કુદરી શકે, એક જ પાયા પર અને બે સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે પણ અનેક આકૃતિઓ દોરી શકાય છે. વ્યવસ્થિત ટોપિક લખી દો.